नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आज महाशिवरात्रि पर्व है। धार के अधिपति बाबा धारनाथ के दर्शन के श्रद्धालु अल सुबह से ही लाइन लगाकर धारेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए उमड़े। महाशिवरात्रि का पर्व होने से भक्तों में उत्साह। हर कोई सबसे पहले अपने अधिपति धारनाथ के दर्शन कर लेना चाहता है। महाशिवरात्रि पर कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, पुरुष सभी लाइन में खड़े होकर दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। धारनाथ का खूबसूरत श्रृंगार किया गया। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर महाशिवरात्रि। लाइन में खड़ी हो क्यों आई? आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसा सुना है कि यहाँ पे सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए सभी लोग इतनी लाइन में खड़े हैं। क्या नाम है? रानी शर्मा। आज महाशिवरात्रि और हम यहाँ धारनाथ के दर्शन करने आए हैं और हमारे पेपर एग्ज़ाम चल रही है, तो हमारे पेपर अच्छे जाए और रिजल्ट अच्छा है, इसलिए प्रार्थना करना है। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्वेता बोर्दिया। कहाँ आई है? धारेश्वर। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और जो धारेश्वर है, जो हमारे धार के रक्षक है, धारनाथ महाराज जो कहलाते हैं, आज उनका पर्व है। तो हम सुबह से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और काफ़ी अच्छा महोत्सव बनता है यहाँ पे 3-4 दिन का, और सभी आनंदित होते हैं। धारवासी पे इनकी कृपा बनी रहती है और हम सब इनका आशीर्वाद पाने यहाँ पर आए हैं आज। कुछ मनोकामना है जो मांगना है? मनोकामनाएँ तो रहती है जब मंदिर में आते हैं, कुछ ना कुछ भगवान से इच्छा रहती है, तो वो तो हम बिल्कुल मांगेंगे यहाँ पे। नाम पराग जोशी, धार से।